विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाना, लोगों में मास्क सैनिटाइजर भी किया जा रहा है तकसीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोविड के दौरान जो हमने पिछले साल भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सेवा की थी, साथ में संघ के हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा की थी, इसी कड़ी में इस बार जो सेकंड वेव आई हुई है, इसमें जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो कुछ की इकाई है उसने जो सेवा भाव का काम लिया है। 3-4 दिन पहले हमने मास्क वगैरह बांटे थे, सैनिटाइजर वगैरह किया। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन सुनील गुप्ता ने कोरोना महामारी को लेकर चिंता जताई और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वो अपने घरों में नहीं रह रहे, बाहर घूम रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उठाए जाएं सख्त कदम। जो अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं, उनके उनके बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं काउंसिल की मिसाल देना चाहता हूँ, वो काउंसिल के अंदर भी वहाँ के मोहल्ले के लोग फोन कर रहे हैं कि जो लोग पास में वो घरों के अंदर नहीं बैठ रहे, वो लोगों के घरों के अंदर जाकर मिल रहे हैं। अब परेशानी ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा कदम उठाना चाहिए, जो लोग पार्टी हो वो अपने घरों के अंदर रहें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और भी हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मोटरसाइकिल स्कूटर पर जब करो। जिला राजौरी के कालाकोट का रहने वाला एक शख्स अपने मवेशियों के साथ जा रहा था कश्मीर, सावजिया में एक रीछ ने उस पर किया हमला, 40 आरआर की मदद से उसे पहुंचाया गया सावजिया हॉस्पिटल, इलाज के बाद उसे किया गया घर रवाना। जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू ने कहा है कि 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों को लगभग 98% वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, बाकी रहने वाले लोगों के लिए कल यानी एतवार को चलाया जा रहा है स्पेशल ड्राइव। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने 1 अप्रैल से 45+ लोगों की वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया था और आज तक पिछले 1.5 महीने में इस कैटेगरी के तकरीबन 98% लोगों को हमारी जो वैक्सीनेशन साइट पर कवर किया गया है और आज की डेट में तकरीबन 2% लोग ही 45+ कैटेगरी के बचे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है। आरएसपुरा में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मुकामी लोगों ने गांव-गांव को किया सैनिटाइज। देखते हुए और पॉजिटिव केस की देखते हुए कि उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए और गांव की खुशहाली के लिए और गांव में कोई ऐसी बीमारी ना हो ज़्यादा फैले। कोरोना की महामारी के लिए लॉकडाउन का असर किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। आरएसपुरा के दूरदराज गांव के किसान अपनी सब्जी मंडी तक नहीं पहुंचा रहे, जिसकी वजह से करना पड़ रहा है नुकसान का सामना। लाफ बीन की सब्जी लाई दी है, खीरे की सब्जी लाई दी है, लॉकडाउन की वजह करने मंडी में सब्जी का इन्ना मंदा कि सानू जी चुनाई है चुनने का खर्चा और मेटाडोर से लोड करी है उसका खर्चा। आरएसपुरा के गांव दबलैड में युवाओं ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने इलाके के बाजार, बैंक्स, हॉस्पिटल और तमाम धार्मिक स्थानों को किया सैनिटाइज। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी की सेकंड वेव से जूझ रहा है, आज
दबलहड़ गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिसमें हमारे पंकज सांगड़ा जी। कोविड 19 की महामारी को देखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने शोपियां की आवाम से की अपील कि जिस तरह पहले सरकार की ओर से जारी SOPs का किया गया था पालन, उसी तरह इस बार भी कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी SOPs का करें पालन। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी जो शोपियां के लोग हैं वो ईद के मौके पर अपने घरों में उन्होंने नमाज अदा की। मस्जिदों में जो हमने 2-3 लोगों को परमिट किया था, सिर्फ वही लोग आए और उन्होंने ही ईद की नमाज। बारामूला के टंगमर्ग में बीती रात 4 दुकानों में लगी आग, आग में दुकानें जलकर हो गई हैं खाक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की ओर से तमाम म्युनिसिपल कमेटी हॉल श्रीनगर के कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को दिया अपना योगदान। हमने जो एक इनिशिएटिव लिया है, हमारे एक्सोस कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इंतज़ामिया के जो एफर्ट्स हैं मैं उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन करके